आ, वो हम लोग कर रहे हैं कबूल है, फरमाए है। एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ वो जो हमारा त्राविन तफस का सेशन होता था इस दफा हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑब्वियसली को फॉलो भी करना होता है और हम चाहते थे कि लोगों के लिए हम डिफिकल्टी क्रिएट ना करें क्योंकि जारी बात है जब बहुत से लोग आते हैं लेडीज हैं जेंट्स हैं बच्चे हैं तो फिर एस ओ पीज को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता तो बहाल हम लोगों ने इस दफा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि माशा इस किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना तफ़ील क्लासेस हो रही है माशा भी कुछ हो रहे हैं जी बिल्कुल जियो पे हो रहा है हम पे हो रहा है आज टीवी पे भी हो रहा है उसके अलावा कर रहे थे तो एक पे आप आ गए तो निकाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमारी दावत पहुंचा रमजान कैसे गुजरा है ऐसे हैं जो लोग चैलेंज चैलेंज फेस कर रहे हैं, हैं। उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल बल्कि प्रोफेशनलिस्ट बन के अपना स्केजूल प्लान किया था एंड दे आर नॉट गोइंग अबाउट प्लान वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि यार मैंने इतना कुछ करना था लेकिन नहीं किया

आपको नियत का मिल ही रहा है और स्पेशली यह है कि जितना भी आप अचीव करें चला, आ, बस कोशिश करें कि सारी जिंदगी मेंटेन करें आज का जो पाकिस्तान में अगर हालात देखें हम लोग कत्ल भी हो रही है कुछ हर पहले औरत मार्च भी गुजरी बच्चियों का रेप हो रहा है टीवी चैनल्स की तादाद कसरत से बढ़ती जा रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो रही हैं लोगों में स्टिजीनेस और माइजरलीनेस पैदा होती जा रही है हर बंदा पैसे के पीछे एक स्लेवरी का कॉन्सेप्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ तरीका चेंज हो गया स्लेवरी नहीं, का नहीं, तो ये सब को देखने के बाद आ, मैंने हमने डिसाइड किया कि आप लोगों से आज हम माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट बात करें वो साइंस जो कि आज हम करंटली देख भी रहे हैं अपनी आंखों से और दूसरी चीज ये कि जो फ्यूचर में आने वाले हैं ताकि हमें उसके बारे में कुरान से गाइडेंस मिले तो जब भी हम लोग माइनर क्यों है इनका बेनिफिट क्या होता है क्या इतनी इंपॉर्टेंट भी है कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए या इसके बारे में सीखना चाहिए क्या बेनिफिट है इसका वैसे देखिए एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता ना कि माइनर साइंस क्या है तो इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदा गाँव से उठ के आ गया और उसको ये नहीं पता कि यू टर्न वाला जो साइन है इसका मतलब क्या है hmm. और जहां पे अगर एक रेड लाइट लगी हुई है इस रेड लाइट का मतलब क्या है तो अगर एक बंदा गांव से उठ के आया उसने आज से पहले कभी शहर में नहीं आया उसने आज से पहले कभी स्ट्रीट लाइट नहीं देखी उसने कोई सिग्नल नहीं देखा hmm. तो वो यू टर्न का उसको पता नहीं चलेगा कि ये hmm. यहाँ पे यू टर्न था या कहीं पे अगर रेड लाइट आ रही है वो रेड लाइट पे निकल रहा है ग्रीन लाइट पे ब्रेक लगा रहा है कंफ्यूज मतलब, होगा हो और उसकी जिंदगी जो है ना वो मतलब उसके सामने बड़ी बड़ी निशानियां आ रही है वो सारों को मिस कर रहा है तो हम लोग जो है अगर हमें यही नहीं मालूम कि आपके आखरत की निशानियां क्या है तो हो सकता है कि आखरत आपके सर पे आ चुकी हो और आप अभी तक गफलत में बैठे हुए हैं इस उसमें कि जी अभी तो आखरत बड़ी दूर है अभी तो बड़ी दूर है हालांकि ये सारी निशानियां यके बाद आपको दिखाई जा रही हैं और आपके सामने आ रही हैं येट आप

करीम के बाद किसी और ने नहीं आना किसी और तो के वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी मोर कम हम किसी स्क्रिप्चर का भी इंतजार नहीं कर रहे नबी करीम ने फरमाया मेरा आना और क्यामत का आना यूं है मतलब मेरे बाद बस क्या कुछ नहीं इमेजिन ना इस दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री को कि ये दुनिया बनी कब इंसानी इंसानियत आदम इस्लाम कब आए तो अगर हम देखें तो आदम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसुल मेन चक जो मेन चंक था समझ नाइनटी परसेंट गुजर चुका उनसे पहले क्योंकि नौ सौ पचास साल तो नूर इस्लाम की दावत की उम्र थी और बड़ी बड़ी उम्र थी तो हम तो बिल्कुल क्यामत के तो अल्लाह के करीब आ रहे हैं बिल्कुल तो हम तो बिल्कुल क्यामत के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और बिल्कुल वी आर अबाउट टू फॉल मैं मंथ्स पहले

कि आप पे जाने और हुई सपोर्ट के आप मक्का आए लेकिन जस्ट डोंट गो हार्डीज एंड स्टफ लाइक दैट और नमाज पढ़ के सलाम भर के निकले कोई जिक्र कोई कोई तवाफ लग्जरी ट्रिब्यूनार ऐसा निकल गया, गया।, गया।, गया। शॉपिंग हो रही है नमाज पढ़ते ही मॉल्स भर जाते हालांकि हरम में आने का मकसद अल्लाह इबादत करना था अच्छा फिर और ग्रीनरी शेख हालांकि हिजाज बरन है लेकिन ग्रीनरी वैलीज ग्रीन हो रही थी सही बात है। जो 2009 में मैंने किया किया था और अब भी जो किया था और, एक, और आ, जो 16 मंथ्स पहले, टू थाउजेंड नाइन मेंद्दी वगैरा होती है ये ग्रीनरी पे आती है बहर जगह पे नहीं बिल्कुल इनका दिल्कु जो आना है साइन मुख्य मैं हैरान हो गया कि ये कितने आ रही है और आप तमाम इंसानी हिस्ट्री देखें अब्बा जान तक सब घोड़ों पे पे खचर पे उन पे सवारों के आ रहे हैं मतलब लाइफ स्टाइल सेम रहा कोई जहाज उड़ के नहीं गया या कोई किसी की कि ने बात नहीं की हमारे जान के दौर से के हम तक कितना वर्ल्ड की अगर हम हदीस देखें मैं एक हदीस पढ़ा था जिसमें छह चीजें बताई कि जब तुम देखो कि लोग नमाज को छोड़ रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, यानी खराबा दुनिया इमरान हुआ लोग ऑलरेडी बिल्ट विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कश्मीर गजा फलस्ती अमर वो, वो खराब दुनिया और जो खराब दुनिया यानी लैंड है डेजर्ट है उसको हाई राइज स्काई बना रहे हैं दूसरी चीज ये हो गई तीसरी चीज अल्लाह के नाम पे कस्में खा रहे हैं और उनको तोड़ रहे है। हैं चौथी चीज लोगों को कर्ज कर रहे हैं मतलब जो है ना गाली गलोच गंदे अल्फाज पुकार रहे हैं ब्राइबरी आम हो गई है आखिरत को छोड़ के दुनिया प्रेफर कर रहे हैं

हरज बहुत ज्यादा होगा तो साहबा ने पूछा यासूल ये क्या है तो आपने कहा ये कत्ल गारत है कतल वारत है और फिर बाद रवायात में ये भी कहा कि जो मारने वाला है उसको नहीं पता वो क्यों मारा है और जो मरने वाला है उसको नहीं पता उसको, उसको क्यों मारा जा रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त एक बहुत सिचुएशन क्रिएट हुई आप सबको मालूम ही होगा एक पार्टी जो टीएलपी है उनका और पुलिस का आपस में बहुत ज्यादा झड़प शुरू हो गई तो मैं चाहता हूं कि इस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डाल लें और लोगों को एक बैलेंस्ड ओपिनियन बताएं कि असल में क्या है देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी कोई तोहहीन होती है और जब भी कोई उनके बारे में तोहन हमें खाके बनाता है जैसे फ्रांस में हुआ जैसे और और कंट्रीज में डच कंट्रीज में हुआ तो यह जाहिर बात है पूरी मुस्लिम उम्मत का गम गुस्सा उसके ऊपर सामने आया लेकिन फ्रांस का जो अपना एक ढीठपन आप कह सकते हैं कि उन्होंने पहले तो ये सारा कुछ मामला हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी बिल्डिंगों के ऊपर ऑफिशियल इमारतों के ऊपर वो कार्टून्स को दोबारा से छापा और शाया किया और मज़ीद ये काम किया तो जो ये जो पार्टी है टीएलपी जिनकी तरफ से ये मुतालबा है और मैं समझता हूँ हर मुसलमान की तरफ से यही मुतालबा होगा कि कम अज कम और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जो फ्रेंच जो सफीर है उसको धक्के मार के मुल्क से बाहर निकाला जाए मतलब उसको तो, इसमें तो कोई दो राय मेरा ख्याल होनी नहीं ही नहीं चाहिए हम लोग नबी करीम के बारे में हमने मतलब इसको हल्का बिल्कुल नहीं लेना मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मत की तरफ से ये सिग्नल जाना चाहिए और हमें मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए यानी जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले ना उनको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए

मुसलमानों को आपस में लड़ा देना जहां पे एक मुसलमान को नहीं पता मैं दूसरे को क्यों मार रहा हूं दूसरे को नहीं पता मुझे क्यों मारा जा रहा है एक तरफा हमारी तरफ वीडियोज आई कि जहां पे पुलिस वालों को मारा जा रहा है फिर अब एक और नया सिलसिला वीडियोस का शुरू हुआ जहां पे पुलिस वाले जो हैं वो कर रहे हैं वो लोगों को शहीद कर रहे हैं तो यकीन करें दिल हमारा फटता है और खून के आंसू होता है कि यार अल्लाह हम लोग एक ही मुल्क में रहने वाले लोग हैं सारे के सारे मुसलमान है कलमा पढ़ने वाले हैं।, हैं और आपस में लड़ पड़े हैं यार मतलब ये बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको एक एक पेज पे आना चाहिए कि देखो हम सब जो है ना हमें वाकई में सबको मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए मैं समझता हूं कि जो भी आपका एहत है जिस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है कुछ भी आप जरूर एहतिया करें जरूर करें लेकिन प्लीज प्लीज उसको पुराम रखें उसमें किसी पर तशद नहीं होना चाहिए क्योंकि देखें याद रखें नबी करीम सलम की हदीसा की मैं सबके लिए बता रहा हूं चाहे वो एक साइड पे लोग हैं दूसरी साइड पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी कभार अपनी अहदीस मुबारक में कुछ डेफिनेशन बयान किए हैं आपने फरमाया कि मुस्लिम कौन होता है आपने फरमाया यानी मुस्लिम हमें तो पता ना वो होता है जो कि कलमा पढ़ने वाला होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक डिफरेंट ताबीर बताई आपने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि वो दूसरे मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाता ना अपने हाथों से ना अपनी जुबान से सो so, प्लीज मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि एक दूसरे पर तशद ना करें ये पुलिस अहलकार हो या कोई भी कारकुन हो किसी भी पार्टी के प्लीज अमन बात करें जो कुछ करना चाहते हैं हमें मिलकर किसी सोल्यूशन की तरफ जाना है और वादा भी किया था एक सेकंड में ये हो जाना चाहिए मैं समझता हूं इसमें बिल्कुल ताकीर नहीं करनी चाहिए उठा के बाहर निकालो उसको क्योंकि देखिए फ्रांस बहुत अन अपोलोजेटिकली यह काम कर रहा है वो लोग तोह रत करते हैं नउजु बिल्ला सुमन उसके ऊपर वो डंके की चोट पर उस पर अड़ जाते हैं समझता हूं उनको क्लियर सिग्नल देना चाहिए जहां पर हम लोगों ने

इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे वाला वाला न्यूज़ सच थी हम नहीं जानते लेकिन ये आई वॉज हैं और आई थिंक रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप जहाँ पे अल्लाह की की, के नबी की गुस्ताखी करने वाले लोग बैठे हुए हैं और डंगे की चोट पे कर रहे हैं आप उनको अपना मेहमान नहीं बना सकते कम से कम ठीक है हम हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा रहम की किसे मिलते हैं बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट है जिसमें लोगों को माफ कर दिया गया लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है इसमें अगर आप बिल्कुल बकरी बन जाएंगे भेड़ बन जाएंगे तो उसमें आपको यू हैव टू टेक यू हैव टू बी रियलिस्टिक और आपको ना वो अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं बनना एटलीस्ट शो करने के हम अल्लाह की मोहब्बत करते हैं तो ये हमारा नो गो एरिया है हम अपने माँ बाप की इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं करते तो तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अगर डर ये है ना कि हमारे पे सेंशन लग सकते हैं या वो हमारे कर्जे रोक देंगे कोई ऐसी बात है देखिए अगर एक शख्स जो है वो मेरे बाप को गाली निकालता है ठीक है और फिर कहता है यार मेरे से पैसे ले लो मैं लूंगा उससे पैसे मैं, पैसे में मैं मुझे नहीं चाहिए निकाली निकाली हमारे लिए से में तो कभी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमें नबी करीम से मोहब्बत जो है ना अपनी जान से अपने माँ बाप से हर शय से ज्यादा ना हो जाए तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करें कि कोई जो है वो उनके बारे में तोहिन आमेज खाके शाय करे उनको अपनी बिल्डिंगों पे के भी लगाए पूरे दुनिया के मुसलमानों की तजलील करे इस हरकत के जरिए और हम चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे मैं समझता हूँ कम अज कम मिनिमम जो है ना वो ये था यथा सफीर को तो यहाँ से बाहर निकालो तजलील करके निकालो हम ना पता नहीं क्यों इन लोगों को खुश करना चाहते हैं मुझे ये बड़ा ये महसूस होता है कि हम ना उस स्टेट में रहते हैं कि यार ये भी खुश हो जाए और हमारे अपने लोग भी खुश हो जाए देखे ना उन्होंने खुद ही कहा कि हमारे जितने भी वो चीजें हैं डिपार्टमेंट्स है लोग उनका वो जो सफी है वो ट्विटर पे ऑल बल्कि वो तो वजीम को और ट्वीट उसने किए हैं कुछ ऐसे तो हैरान होता हूँ अगर एक इंसान की आंख खुली हुई है ना तो अगर आजकल के मुआरे का ये पूरी दुनिया का एनालिसिस करे कोविड नाइनटीन जैसा एक पेंडेमिक पूरी दुनिया इट्स वर्ल्ड वाइड पे लोगों की किसी वायरस से वफात नहीं हुई ठीक है ये हुई लेकिन ये कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है फिर किलिंग्स हो रही हैं मैसिव फितनाज घर में बच्चे कमरे में बैठे बैठे एथी हो रहे हैं हुँ. जो उन्हें कॉन्टेंट शो किया जा रहा है इंसान के अपने घरों में लोग इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं अल्लाह के मैंने फरमाया था कि आसमान <coughs> से तुम पर <coughs> फितने बरसेंगे लाइक लाइक तुम्हारे दिलों पर बरसेंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रॉम

जो जो ड्रामा एथल उसको उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं उसे खाई गई और मुस्लिम हिस्ट्री भी है लेकिन उसमें सुबह लव स्टोरीज भी हैं एक जो हीरो है और हीरोइन है वो आपस में महरम नहीं है टीवी में उसमें महरम शो की गई है आपस में हक कर रहे हैं हाथ पकड़े हैं अल्लाह के नरमाया कि तुम्हारे लिए सर में कील ठोकना ज्यादा बेहतर है कि तुम किसी ना टच करो और हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर मुसलमानों को विक्टी दे दे ताकत देते मतलब बंदा हैरान होता था कि याला ये मैं पागल हूँ

अल्लाह की मेरी पड़ी हुई थी उसमें और मैं मैंने कहा यार एक सिंगर ने नात और पीछे उसकी अच्छा उसपे तो नात थी लेकिन उसके पूरा प्रोफाइल भरा हुआ था म्यूजिकल वीडियो से

नबी करीम स्थी अगर माज अल्लाह माज अल्लाह कोई झूठे नबी होते ना तो उनके लिए ये बात कहना इम्पॉसिबल होता यानी जिस तरह ये जो आपने जिक्र किया था कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे ये नंगे पाओ वाले बदू जो हैं ये बनाएंगे अगर सिर्फ इसी हदीस को आप ले लो आप देखो मैं खुद दुबई में रहा मैं अबू धाबी में रहा मैंने इवन वहां पे सऊदी में हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं एक शे एक दूसरे से मुकाबला कर रहा होता है मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में अगर नबी करीम से ये कहा जाता यानी अगर कोई वहां पे ऐसे कोई झूठा नबी होता जैसे मुसैम का जब था और ये भी एक हदीस में आता है कि यानी क्या की निशानियों में से ये है कि द्ज्जालबून ये कोई तीस से ज्यादा झूठे नबी भी आ जाएंगे जो कि अब मैं बताऊं तीस से ज्यादा हो चुके हैं हुँ। मैंने हुँ। एक दिन बैठ के गिनना शुरू किए एक एक करके वो तकरीबन थर्टी हो चुके थे अब आपको बताऊं कि नबी करीब से के दौर में अगर किसी बंदे ने ये पेशन कोई की होती है और उसे कहा जाता कि आप ये बताएं कि कौन लोग इमारतें बनाने में कम्पीट करेंगे तो वो अरबों को कभी भी ना सोचता। कभी भी ना वो सोचता ना सोचता सोचता वो कि जी रोम कर लेंगे जो कॉलेसियम्स बना रहे थे बड़े बड़े या पर्शियंस कर लेंगे या इजिप्शन कर लेंगे जो पिरामि बना रहे हैं या साउथ अमेरिका में वो एजटेक्स जो है वो मायन पिरामिड जो थे वो होंगे या चलो इंडिया की बात कर लेते लेकिन आपने फरमाया अरबों में होगा अरब कंपीट करेंगे क्योंकि अरबों को तो वैसे मकानों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और अरबों में भी एक सिटी वाले हैं और एक डेजर्ट वाले हैं सिटी वाले और डेजर्ट वाले में से भी अगर बंदा कहे कि जी कौन सा ज्यादा लाइवलीहुड किसका वो इमारतें बनाएंगे तो बंदा कहेगा सिटी, सिटी वाले हालांकि वैसे तो किसी को भी जरूरत नहीं थी लेकिन डेजर्ट वाले जो है वो तो इमारत बनाते नहीं थे वो तो टेंटों में रहते थे hmm. और वो यानी ऊंट पालते थे बकरियां चलाते थे और ये उनका लाइफ था बड़ा hmm. एक और वो जो उनका लाइफ है ना hmm. वो नबी करीम के जमाने से लेकर एंड तक वही रहा है मतलब पूरी दुनिया एडवांस हो गई है लोगों ने हवाई जहाज बना लिए ट्रेन बन गई क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई लेकिन वो बद्दू उधर का उधर ही रहा है लेकिन फिर क्या हुआ कि 40s एंड 50s में जब तेल डिस्कवर हुआ ना पूरे गल्फ एरिया में तो ये लोग ओवरनाइट अमीर हुए इन्हीं अमीरों के लैंड्स पे तेल डिस्कवर हो गया और जब हुआ ये ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए मैं अबू धाबी में एक ऑयल एंड गैस कंपनी के सीईओ थे उनके ऑफिस में गया बड़ा जबरदस्त ऑफिस और वहां पे एक तस्वीर लगी हुई जहां पे एक पुरानी बड़ी साइज की ना ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी और उसमें एक बंदा खड़ा हुआ है ऊंट के साथ उसके नंगे पाव है और उसका चेहरा बिल्कुल गर्द आलूद और बड़ा ना वैसे वो पिक्चर बड़ी विंटेज सी तस्वीर लग रही थी कि बड़ी

जिनके पास इतना पैसा आया इतना पैसा आया कि इन्होंने कहा कि अब पैसा कहां लगाएं तो रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर दिया और रियल एस्टेट में भी लगाते हुए इन्होंने कहा कि अब इमारतों में कंपटीशन हो रहा है एक वहां पर बुर्जुल अरब खड़ा हो रहा है वहां बुर्जुल खलीफा खड़ा हो रहा है वहां पे नकल की प्रॉपर्टीज आ रही है इमार की आ रही है डिफरेंट कंपनीज है हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रही है और एक शेख इसका ऑनर है एक शेख उसका ऑनर है और आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है और ये नबी करीम ने कोई मुसलमानों की तारीफ में नहीं कहा था कि मुसलमानों के पास माशा इतना पैसा होगा कि वो कॉम्पिटिशन करें ये हमारे उम्मत के जवाल की निशानी है कि जहां पे फिलिस्तीन में कश्मीर में

के टॉप लोग सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज होंगे ना से हो और जो अच्छे लोग हैं उनको बुरा और बैश किया जा रहा है और बच्चे, ये कि जो बच्चे होंगे वो रेज हाँ। होंगे और वलबा के जो बारिश होगी वो एसिडिक होने शुरू हो जाएगी और आप अल्लाह आज देखें वर्ल्ड में ना आप चेंजेस देखें पॉलिटिकल चेंजेस क्लाइमेट चेंजेस अटलांटिक को आप देखें

पे आपने फरमाया कि तो हो खड़ा हाँ। करना हाँ। यार इतनी बात तो इतनी हैरान को ना जैसे आपने म्यूजिकल ये बताया ना कि बद्दू बड़े बड़े स्काई स्क्रिपर्स बनाएंगे इसी तरह की बाकी भी हैं कि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आम होंगे और म्यूजिकल म्यूजिक जो है ना वो अपने सरों पे पहनेंगे

इन यू नो गैजेट्स और तुम अपने टाइस को तोड़ दोगे यार कैसे हो सकता है आज आप गोरों की पोस्ट गोरों की पोस्ट देखें वो पोस्ट क्या ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तीनों फैमिली में सब मोबाइल पे बैठे हुए हैं खाने के टेबल पे सब मोबाइल पे बैठे हुए और ये पूरे सोशल तो डायरामा जो नेटफ्लिक्स वीडियो दे है हाँ। पोर्ट्रेट कर रही है अल्लाह के हदीस

Uh, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा अब आप कुछ भी अच्छा हो जाए कुछ भी बुरा हो जाए आपके आ, हाँ ये फिट होगी तो जहां पे नोस्टोटामस ने कोई की है जो कि वेग है उसको लोगों ने इधर उधर फिट किया है लेकिन जहां पे वो स्पेसिफिक हुआ है ना वहां पे वो गलत हुआ है नबी करीम सल्लम की स्पेसिफिक स्पेसिफिक से स्पिस्टिक आप हदीस उठा के देखें और आप देखते हैं कि किस तरह पूरी हो रही है और उसमें कोई तावील करने की जरूरत नहीं आपको आपको पता चल रहा है एक बुक तो यह हमने आज मैंशन की है डॉक्टर मोहम्मद आरफी की एक और ये है जो कि इबिन कसीर की है द बुक ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये अलविदा नहाया का एक पोर्शन है जो कि इसमें लिया हुआ है जिसमें मेजर साइंस माइनर साइंस सारे के सारे जो कवर्ड है

Of of mm -hmm. uh, uh, mm. मदीना मुनवरा में और एक अर्थक् पत्थर गिरे दीवार खड़की और घर uh, गिरे और उन्होंने देखा कि फ्राइडे के दिन तक ये जो आग जलती रही हत mm. उनकी जो ऊंटों की कोहानी थी वो रोशन रही देखिए एक्जैक्टली exactly, अच्छा एक जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अल्लाह के बी की जो साइंस है अनसीन जो हेयर से रिलेटेड है उसको एक्जैक्टली exactly उस टाइम पे फिट कर देना अगर वो फिट ना हो रहा हो तो हाँ बिल्कुल ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम <coughs> कहेंगे कुछ आदि जैसे गलतियां की गई बहुत सारी है कि सद्दाम हुसैन को लोगों लो ने कहा कि ये वो शख्स जिसके लग, लग ने वो कहा था और डिफरेंट <coughs> को तो बात ये कि जब तक वो एग्जैक्ट बिल्कुल पूरी ना हो रही हो तो दैट इज नॉट द सेम इंसिडेंट जिसके बारे में ने भी बात कर रहे थे <coughs> हाँ अगर हर चीज हंड्रेड परसेंट फिट हो रही हो तो फिर बात करते हैं वरना क्या होता है लोग कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह ने बात की थी और जब ही टर्न आउट टू बी एन पर्सन और अ बैड पर्सन फॉर एग्जाम्पल लोग कितने इमाम बन के आ गए ठीक है और एक शेख बता रहे थे कि मेरे ऑफिस में दो लोग आए उसने कहा कि शेख आई एम मेरी एन ही मरियम ठीक है और इस की बातें करना शुरू हो गए तो जब वो बंदे ईविल हो जाए तो फिर लोगों को इस्लाम में डाउट होना शुरू हो जाता है सो so, अनसिन की जो चीजें हैं हम कभी भी एग्जैक्ट फिट नहीं करते जब तक वो

वो आंख होगी तो अब, अब हो ही रहा था कि लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कर देते हैं अब लोग की <coughs> दजाल है, ये दजाल है, ये बिल यह है मतलब वो फिर लोगों की अटेंशन चली जाती है तो हालांकि नबी करीम ने वाजे तौर पर इशाद बनाया कि वो एक इंसान ही है और आपको जब बताया गया कि जी एक शख्स है जो कि ये ये कर रहा है तो आप उसको ढूंढने के लिए गए मिलने के लिए गए कि मैं देखूं तो सही दाल ये तो इससे पता चलता कि वो किसी साइन का या सिंबल का वेट नहीं करते ही न्यू इट केट्स अ मैन ठीक है तो इस मामले में मैं समझता हूं कि जो भी माइनर साइंस हो या मेजर साइंस हो हमें अपनी तरफ से ना तकल्लुफ नहीं तकलुफ करना नहीं चाहिए उसकी तारीफ हाँ मतलब इस तरह, इस तरह से अपनी तरफ से मतलब जो बात कही भी है ना उस उस तक आप उसके साथ जस्टिस करें और इसमें मैं समझता हूं कि जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के इसको डिस्कस करना ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड चीज है क्योंकि ये इस्लामिक एस्ट्रोटोलॉजी जो है ना ये बड़ा एक डीप सब्जेक्ट है जिसमें यू नीड अ स्कॉलरली पर्सन टू काइंड ऑफ गाइड यू एंड अंडरस्टैंड ताकि आप कोई गलत तावल ना कर बैठे और किसी उस चीज की तरफ निशानी बना दें जो कि असल में है नहीं, नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जरा हमें जिस तरह बहुत सारी ऐसी हादीस हैं जो जिस तरह आजकल के मामले में ना बड़ी आसानी से फिट होती हैं फॉर एग्जाम्पल कहा गया कि जल्जलों में इजाफा हो जाएगा ठीक है बीमारियां बि ऐसी आ जाएंगी जो तो तुमने ना तुम्हारे बाप दादा ने जो ना मतलब कभी सुनी होगी तो और वो क्यों होगा क्योंकि फहाशी फैल जाएगी उम्मीद यानी इतनी फहाशी फैलेगी और जब फहाशी फैलेगी फिर ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी आज आप देखें कि एस टी डीजे सेक्सुअली क्समिट डिजीज उसकी एक पूरी कैटेगरी बन चुकी है बिल्कुल और ये कैटेगरी पहले नहीं थी पहले नहीं उसमें एड्स एच आई वी ये वो और अभी आप देखें कोविड वगैरह की जितनी भी चीजें आ रही हैं ये ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है जो आज से पहले मैं पता ही नहीं था सही लेकिन बात आप वलम की हदीस हमारे बात सामने जहाँ पे आपने फरमाया कि ये होगा यानी द एंड ऑफ टाइम्स होगा अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान इनको पूरा करने के लिए मेहनत करे हमें वार्निंग दी जा रही है जिस तरह मैंने एक दफा एक जगह पे टॉक दे रहा था तो मैंने बताया कि जी आप की हदीस है कि मुसलमान जो है वो तिहत्तर फिरकों में बढ़ जाएंगे तो किसी ने सवाल किया कि जी फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फिरके बनाए मैंने कहा ये ये <laughs> हदीस का मतलब ये नहीं है कि आप फिरके बनाए हमें ये कहा गया कि वाला तफर, वा तफर अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अल्लाह तला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में ना बटना लेकिन इसके बावजूद के ये अहकाम मौजूद हैं लोगों ने फिर भी फिरके बना लेने बल्कि वो जो अदीस में आता है ना और जो इवेल ट्रेड बयान की गए लोगों की उनका मतलब है कि ये हो क्या रहेगा लेकिन Don't be one of those people. तुम कर, कम सबसे पहली चीज जो उम्मत से उठा ली जाएगी वो खुशू होगा हत्या कोई खुशू वाला नजर नहीं आएगा अब और आप कोशिश करें सदी को पूरा करें और हम खुशू छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए हम बल्कि उन लोगों में सुनने चाहिए जो के

टर्मोइल यानी फितना ऑफ ऑल काइंड आपने फरमाया हजरत उबैर फरमाते हैं कि साबिकु बिल अमाली फितना रेस विद योर डीड्स विद द फितना काकित इलाई लिमोजरिम कि वो अंधेरी रात की तरह आएंगे युस बे और जो मोमिना वो युमसी काफिरा वो युमसी मोमिना वो युस बे काफिरा के इंसान सुबह होगा तो मोमिन होगा रात तो काफिर होगा रात मु हो होगा सुबह काफिर होगा और कितने लोग हैं जो कि अपनी नेशनैलिटी के लिए साइन कर दें कि हमने दीन को छोड़ दिया हमें कनाडा में रहना चाहिए हमें अमेरिका में रहने दो हम इस्लाम को छोड़ते मैं एक शख्स जानता हूँ यानी मुझे वाकई बता रहे थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कोई रिपोर्ट करने का प्लान बन गया कि उनके इनसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई थी तो उनके वापस जाए आप किसी ने मशवरा दिया कि बासुन ये वाला रिलीजन अपना ले तो तुझे नेशनैलिटी मिल जाएगी

तो भरे भी हैं अल्लाह अल्लाह अच्छा एक में जो आज तफसीर सेशन में भी ना वो जो हम आयत पढ़े थे वह इजल मऊदत बिन खुतिलत के जो फीमेल इन्फेंट चाइल्ड है उसको उस सवाल किया जाएगा कि तुझे किस चीज पर कतल जमीन किस गुना की बिना पर तुझे कतल किया गया अब देखें ये था लड़कियों को मारने वाला वाला तो अभी जो आप ईमान की बात कर रहे हैं ना कि सुबह उठेगा मोमिन होगा रात में काफिर होगा हम लोग अपने आज बेटों को भी कतल कर रहे हैं पता कैसे कतल कर रहे हैं उनका एक होती है फिजिकल डेथ एक होती है स्पिरिचुअल डेथ हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि हम लोगों ने दुनिया के पीछे ना हमने अपने दीन को कुर्बान करना शुरू कर दिया स्पिरिचुअली डेड कर दिया यानी आप ये देखें कि कोई बच्चा अगर हम देखते हैं कि जी बच्चे का स्कूल कैसा है अगर आपको पता चले कि जी वो व uh, एग्जांपल किसी और फेथ का स्कूल है और वहाँ पे बहुत अल्ट्रा लिबरल किस्म के लोग आते हैं बहुत एथिस्टिक बच्चे भी आते हैं आप कहते हो एज लॉन्ग एज मेरा बच्चा जो है ना वो दुनियादारी हो के के साथ ये अच्छा स्कूल है ये अच्छा स्कूल है क्योंकि अगर वो मतलब हम लोगों ने दुनिया को प्रायोरिटी बनाया हुआ है और बच्चे की चाहे वहाँ पे स्पिरिचुअल डेथ हो जाए चाहे वो मुलित बन के वहां से बाहर निकले वो हमें कंसर्न नहीं है हम कहते हैं हमारा बच्चा मॉडर्न हो जाए बस अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ ले अच्छे अल्फाज दो चार बोल ले चार बंदों में बैठ ले बस ये हमारे लिए काफी है तो असल में ना एक बड़ा अजीब मामला है और ये जो बात है बिल्कुल हदीस में चल आती है कि एक बंदा सुबह को उठेगा मोमिन होगा रात में काफी रोक का। हम खुद देखते हैं बंदा सुबह उठता है फजर की नमाज पढ़ता है रात को सोता है इतहाई कोई कुफिया काम करके बिस्तर में सो जाता है सुबह उठता है तो फिर गंदा काम करता है रात को शाह की नमाज पढ़ फरमाते हैं कि सून इविल विल पोर डाउन ऑन यू फ्रॉम द स्काई अंटिल इट रीचेस अल फयाफी हम सब मुझे रसूल अल्लाह व्हाट इज अल फयाफी हां आपने फरमाया कि द विल्डनेस hmm. अब विल्डनेस तक जो इविल पहुंच रहा है यानी सैटेलाइट चैनल के थ्रू जी के थ्रू जी के थ्रू जो गांव में लोग जिन्होंने आज तक फिल्थ नहीं देखी थी नहीं। वो फोर जी और फाइव जी से टिकटॉक <coughs> पे और कौन कौन सी फिल्थ वेबसाइट पे देख रहे हैं सही है। अब नहीं। नहीं। मैं वहां तक पहुंच जाएगा और समा जो अरब अरब में करता है ना समा वो आसमान का नहीं हर चीज जो ऊपर से आती है नहीं। नहीं। जो इंटरनेट है सेटेलाइट चैनल है सब ऊपर से आते हैं अच्छा तो एक और हदीस के फॉलोइंग द वेज ऑफ हु फॉलोइंगेन बिफोर हुँ, हुँ, आपने कहा ना कि हम हर चीज बस उनको फॉलो करते हैं कि कि वही हमारे एक तरह तरह से से बस किसी तरह से हम उनको फॉलो आपने हुँ, कि तुम आ, का दिन नहीं आएगा जब तक मेरी उम्मत उन लोगों को फॉलो नहीं करेगी हैंड बाई हैं कॉन यूज और अच्छा उनको फॉलो करते करते हम कहा या या बिल्कुल। आपने फरमाया आप है। <coughs> दो दो हैं चले चले डिफरेंट जिनको मैंने आज तक नहीं देखा एक वो लोग एक वो मर्द जो काओ की जो टेल होती है उसकी चीज लोगों को मार रहे होंगे और एक वो औरतें जो

मतलब इतना माइल कर रही हैं अपने आप को और सबको सर प्लीज आपने दो मिनट दे दें हम बात अभ अभी अभी देखिए ना आप रिसेप्शनिस्ट कौन होती है खातून को रखा हुआ है क्यों क्योंकि वो आपको अपनी तरफ माइल करती है और माइल होती है आप जहां देख लें सुनला औरतों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा जा रहा है और हमारी बहनें भी अनफॉर्चुनेटली समझ रही है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट है हालांकि आपको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है आपके जरिए आपकी आवाज़ और आपके चेहरे के जरिए अपना प्लॉट बेचा जा रहा है आपको समझ ही नहीं आई आपको आ, दीन को समझ नहीं अच्छा देखें ये जो हदीस में आता है ना कि एक खातून है जिसने कपड़े तो पहने हैं लेकिन नेकेड है आप सोचें कि साहबा के दौर में इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी ये कैसे हो सकता है कि किसी ने कपड़े पहने हैं लेकिन वो नंगा है आज हमें पता है देखिए सबसे पहले ऐसे कपड़े जो कि सी थ्रू मटेरियल के होते हैं कपड़े तो पहने हुए लेकिन जिसम पूरा नजर आ रहा है नंबर वन नंबर टू वो कपड़े जो इतने फिटेड होते हैं जिस तरह स्पैंडक्स होता है या इस तरह की टाइट होती है कि कपड़े तो आपने पहने हुए लेकिन आपका कपड़े का जो काम था कि जिसम को छुपाना छुप कुछ भी नहीं रहा सब कुछ नजर आ रहा है और फिर इसी तरह से जो कपड़े मुख्तसर हो जाना कि कपड़े हैं लेकिन फन पहने हुए हैं यानी कि बेरली वो कुछ कवर कर रहे हैं ठीक है जिस तरह कोई बीच पे चला गया आ, जिस तरह आ, तरह आ, 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 कुछ तरह से हार्डली कुछ कवर आ, हो रहा है तो लोग ऐसे हैं तीन तो मैंने आपको स्ट्रेट में कैटेगरी बता दी है उनकी जिन्होंने लिबास पहने हुए हैं लेकिन लिबास इससे ना भी पहनते तो फर्क ना पड़ता क्योंकि ये जिम भी हो जी बिल्कुल और जिम्स में जिस तरह से क्लोथिंग खासतौर पर खातन कर रही हैं और खासतौर पर मर्दों की मौजूदगी में वो सब चल रहा है

तो हाँ, और सब बेहतरीन होगा वो कहेगा हो की बात है आ, मैं, कि मैं नहीं दो तीन साल नहीं चार पांच साल हो गए इंग्लैंड में एक कपल था जो सड़क के ऊपर ये कर रहा था और लिटरली जो शॉप एक सुबह के टाइम साढ़े आठ बजे हो रहा था तो एक माँ जो थी ना अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रही थी उसने उनको उनको देख लिया और उसने जाके कंप्लेन किया कि भाई ये सड़क पे हो रहा है इनको कहो गेट अ रूम

और अजीब आपको ना एक नई आइडियोलॉजी दे रहे हैं कुछ हैं जो हदीस नहीं है कुछ कुरान में अपनी निकाल रहे हैं। और कितने लोग यूट्यूब से है कि जो ऐसे लोग है ना वो आमतौर पे वही काम कर रहे हैं जिससे नबी ने मना यानी कि वो उलमा को बैश कर रहे होते हैं हालांकि नबी करीम ने फरमाया कि नॉलेज कब उठेगा जब उलमा उठा उठा ले यानी जो लोग दीन का सही फहम रखते थे

मस्जिद में अकेले बैठे हुए हैं घरों में उनको कम लोग जानते हैं बिल्कुल और जोहला तो मशहूर है यानी जोहला जो है जिनको दीन का कख नहीं पता जो नया दीन लेके आए हुए हैं सुबह आज नया ट्रेंड बताओ आपको नया ट्रेंड क्या है फिरकों को बैश करते करते अपना नया फिर बना लो सुबह सब फिर बैश करो ये सब मुसलमान फिरकों में डिवाइडेड है सब छोड़ो एक नया फिर मैं बना रहा हूँ जो कि कोई फिर नहीं है और वो नया फिर दिन में बना लेता है इंसान हाँ। बिल्कुल में ये है ना क्योंकि हर बंदा फिर वारियत से तंगा तंग क्योंकि हम कहते हैं कि बुर -बुरी बात अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं लेकिन ये स्टाइल ये है कि भाई सारों को रगड़ना शुरू करो और फिर जो है ना अपनी तरफ सारों को बस लाक तुम्हें मेरे से ही मिलेगा यार अगर एक सारे फिरकों को गलत कहा है और फिर फिर वारियत को इस्लाम ने डिस्करेज किया है एट द सेम टाइम नबीलम यह भी तो बताया ना कि एक ग्रुप जो है वो हक पे होगा हमेशा रहेगा हाँ तो उसकी भी तो है कि कुरान और हदीस पे वो चलने वाला होगा अल्लाह नबी वसलम की सुन्नत को नीचे छोड़ेगा वो।, तो वो, तो वो वो बात है जब आप इस तरह से तो मैं समझता कि जो लोग भी मिलता हूँ चीज़ है और वाकई में दीन का फैम रखते हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए इसी में एक हदीस देख रहा था जहाँ पे था सबसे जो इवल और विकेट लोग हैं उनको अपना लीडर बनाएंगे इशारा किया था आज हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटी कल्चर है हम उन लोगों को हम रिस्पेक्ट देते हैं आप ये सोचे ज़रा एक लेट सपोज एक दीन का आलम है और वाकई में वो बंदा इतना मुतकी है आ, जैसा कि हम जानते हैं हमारे अपने साथ में ऐसे ऐसे जे। मतलब जेम्स हैं कि जो बहुत तकवा वाले हैं बहुत अल्लाह ताला के यानी इबादत करने वाले और परहेजगार किस्म के वो उलमा हैं जिनके साथ हम पढ़ते हैं बैठते हैं सीखते हैं उनकी आप देखें कैपेसिटी क्या है और वो क्या है और फिर एक देखें कि जो लोग जिनको हमने आज सेलिब्रिटी बनाया हुआ है हम किसी बंदे को भी कोई बंदा टिकटॉक पे मशहूर हो जाए कोई बंदा यूट्यूबर बन के मशहूर हो जाए कोई बंदा कोई छोटा सा कोई शोशा छोड़ दे उसकी वजह से वो एकदम फेमस हो जाए लोगों को किन लोगों को हमने अपना सेलिब्रिटी बनाया हुआ है और हालत ये होती है कि लोग जो है ना इनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं इनके साथ बैठना चाहते हैं इनको इज्जत दे रहे होते हैं और इन्हीं के बारे में फिर खबरें आ रही होती हैं और न्यूज मैं देखता हूँ कभी ये ना यूट्यूब पे और आगे पीछे जो न्यूज चैनल्स की तो टिकर चल रहे होते हैं कि जी एक्ट्रेस की आ, जो ना वो तस, जो ना तस्वीर ने मद्दाहों को बेचैन कर दिया फलान ये व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन मतलब क्या ये न्यूज है इज दिस न्यूज आइटम यानी क्या ये कोई खबर शेयर करने वाली कि फिलहाल एक्ट्रेस ने तस्वीरें डाली तो म, म, जो है ना मद्दाह जो है वो फलाने हो गए यार ये कोई हम जा किस तरफ रहे इंसान हैरान होता है कि जो लोग माशरे के वो लोग थे जिस तरह हम लोग आ, पढ़ते थे ना पुराने वक्तों में कि जो बादशाहों के वहां पे होते थे यानी hmm. जो है ना बादशाह को एंटरटेन करने वाले कोई जोकर है को कुछ hmm. है नाचने गाने वाले मरासी वगैरह लोग होते थे वो सारे के सारे जो लोग होते थे जो सबसे निचला तबका होता था hmm. पूरे माशरे का यानी माशरे में सबसे ऊंचा लेवल इमाम hmm. का होता था कि hmm. जो पूरी यानी पूरे यानी कम्युनिटी को लीड कर रहा है hmm. फिर आपके इसमें जो पढ़ा रहे हैं सीख रहे हैं सिखा रहे हैं

और ये लोग जिनको यूथ फॉलो आप डायरेक्टर्स देख लें आप लोगों का ना शैतान की गुमराह किया एक मौलवी से गलती हो जाए ना जिसको हम कंडेम करते हैं उसके बारे में शैतान वाविला करता है कि वो इंसान को दीन से दूर कर देता है लेकिन एक टीवी डायरेक्टर से या एक एक एक्टर से

उलमा में भी ये चीज है मतलब जो सेलिब्रिटी उलमा या जिन उलमा की फॉलोइंग ज्यादा होती है लोग ये समझते हैं कि यही ज्यादा क्रेडिबल है, है। जिनको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा सुना जाता है बड़े उनकी रीच है

और लेकिन वो लोग जो बहुत शैलो हैं दो चार लोगों से बात सुन के आगे फैला दी लोग कहते हैं कि यार वाह वाह आप ही तो असल है सही बात होती तो, तो आप देखो कि ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी गुजरे हैं जिनका कोई फॉलोअर नहीं था सही बात और क्या वो आएंगे उनके साथ एक बंदा नहीं होगा कोई अल्लाह के नबी आएंगे जिनके पीछे एक एक बंदा होगा टोटल तो कैसे ये कहा जाए कि ये कोई किसी इनकी कोई जो है क्रेडिबिलिटी नहीं थी नहीं अल्लाह ताला इंसान का इखलास देखता है अल्लाह ये देखता है कि कौन जो है ना वो कितना एफर्ट कर रहा है अल्लाह ताला एफर्ट के नंबर देता है जो बंदा भी जितना एफर्ट करता है अल्लाह ताला के दीन के लिए जितनी मेहनत करता है और सही तरीके से करता है यानी एफर्ट करना भी और सही तरीका भी सही होना जरूरी है जब ये इंसान कोई करता है तो फिर अल्लाह ताला उसका अज़र कबूल फरमाता है यानी उसको बेहतरीन भे अज़र उसकी मेहनतों का तो बस हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में लोगों तक दीन की बात पहुंचाएं और अल्लाह ते दुआ करें अल्लाह ते कभी भी गुमराही की तरफ लेके ना जाए मैं समझता हूँ हर मुसलमान को ना ये माइनर साइंस से कम अज कम जरूर गुजरना चाहिए इससे इंसान को पता चलता है कि यार रियालिटी ऑफ दिस दुनिया ये क्या रियालिटी है ठीक है और

और एक और में है के जो है दोस्तों के करीब होगी और बाप से दूर होगी औलाद बीवी की खिदमत करेगी और के साथ बत्तमीजी यार इस इस सो फुल में लोगों को तो ये चीज नजर नहीं आती जिस तरह के सवाल लोग हमसे इनबॉक्स में पूछते हैं ये किस तरह के इतने सवाल आते हैं जो बच्चों से और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड है लेकिन ये चीज सामने आपको नहीं नजर आएगी असल में ये जो बात है ना कि बच्चिया जो है वो माओ के साथ उनका ये रिलेशनशिप होगा कि उन्होंने माँ को नौकरानी समझा होगा ये बड़ी अहम बात है मैं आपको बताऊं कि हमें ना असल में जब भी ये बात देखे ना तो हमें आ, सहम जाना चाहिए हमें डर जाना चाहिए देखें मैं जिस आ, जमाने से गुजरा हूं ना हमारे यहाँ माँ बाप के आगे बात करना तो दूर की बात है बस तमीज से खड़े होते थे और हर चीज पे नो सर होता था आ, मुझे याद है कि मेरी और मेरे भाई की कभी अगर लड़ाई होती थी ना तो अम्मी अगर बीच में आ जाती थी ना तो मैं फौरन से रुक जाता था यानी अगर अम्मी ने कहते ना कि बस करो दो बस उधर ही मैं फ्रीज हो जाता तो फ्रीज मेरी हो लगी ब्रेकें था ब्रेकिंग लग देती थी हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं दीनी नहीं था लेकिन मुझे ये पता था कि माँ ने अगर कुछ बात कह दिया ना और दोनों की लड़ाई चल रही है दोनों गुत्थम गुत्था हुए हैं ठीक है क्योंकि तो गुजरा बात है बहन भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है एक दूसरे को मार पीट रहे हैं लेकिन अगर अम्मी बीच में आ गई है ना उन्होंने कहा बस करो तो बस बस कर दिया उसके बाद चाहे दो चार थप्पड़ पड़ जाए कोई मसला नहीं अम्मी ने, ने मना कर दिया मना हो जाओ तो ये रवैया था लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जिस तरह जिस तरह से जनरेशन आगे आ रही है और जिस तरह जिस तरह पेरेंट्स आके अपने बच्चों की कहानियां सुनाते हैं आप यकीन करें मेरे पास एक केस आया जहाँ पे एक फादर थे उन्होंने आके अपना बताया कि बच्चों के बारे में ना कि बड़े हैं क्या कहते हैं हैं और मुझे आ, उनकी बेटी जो थी उन्होंने फिर बता, उसने बताया कि वो थी तकरीबन अठारह उन्नीस साल की होगी उसने बताया कि मैं अब्बा जान की हर एतबार से नाफरबानी कर चुकी हूँ अच्छा। और मेरे अब्बा को पता भी नहीं है कि मेरे कितने अफेयर चल चुके हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूँ कि मैं कोकेन पे हूँ आई एम ऑन राइट नाउ एटीन ईयर्स की और मैं हैरान था कि ऐसा भी जमाना आ चुका है और वो जिस तरह से वो मामला था ना वो बिल्कुल ऐसा ही था कि जहाँ पे बच्ची जो है वो अपने बाप को भी और माँ को भी ऑर्डर दे रही है ये करो वो करो ये करो वो करो और माँ बाप जो है वो बिल्कुल शराफत से चल रहे हैं यानी एकदम हर चीज उलट हो गई है सो मैं समझता हूँ देखता ना तो वो डर जाता है अल्लाह अकबर ये सारी की सारी चीजें जो नबी करीमानी हमारे यहाँ के सामने तो आ रही है अच्छा कुछ यूनिका तो आखिर कुछ पाँच दस मिनट में जो निशानियां जैसे मार्केट बिकम क्लोजर टुगेदर आप देखें हर यू you नो know, पहले तो एक मेन जगह होती थी मार्केट प्लेस घर दूर होते अब मार्केट hmm. प्लेस भी करीब आ गई है डिस्टेंस कम हो गए हैं टाइम शॉर्ट हो गया है मॉल्स मॉल्स आ आ आ गए गए हैं एक एक पूरी मार्केट ये एक, एक बिल्डिंग एक में गई है hmm. शेख बिन ने कहा कि ये वो साइन है जो कि हमारे दौर में पूरा हो चुका है hmm. यानी डिस्टेंस शॉर्ट हो गए हैं पीपल कैन ट्रेवल फ्राम एरोप्लेन लेकिन माया कि जो डिस्टेंस हो गया वो शॉर्ट हो जाएगा और मार्केट प्लेस करीब आ चुकी है अच्छा और ओबेसिटी जो है बहुत बढ़ जाएगी लेकिन अब देखें लोगों में कितने परसेंटेज की है लाइंग विल बी झूठ देखें एक इंसान फेसबुक पे झूठ पोस्ट करता है पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है और फिर इंसान को पता चलता है कि ये तो झूठ था पॉलिटिशियंस देखें यार झूठ पे ही तो जिंदा जिंदा है कह रही है काम ही नहीं होता वो तो लोग कहते हैं तो हमारा काम ये एक्सक्यूज है

जो कि एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल थी उसका नाम था फ्यूचर वेपन्स आज से कोई चार पांच साल पहले mm. और उसमें बेसिकली हर एपिसोड में ना वो बेसिकली डिफरेंट वेपन्स के बारे में बताते थे जो ज, जिन पे काम हो रहा है और जो फॉर एग्जांपल एडवांस स्नाइपर राइफल्स और एडवास्ड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स एंड थिंग्स लाइक दैट उसमें उन्होंने बताया था एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक uh, पल्स का जो mm. कि अब तो बहुत कॉमन नॉलेज हो चुका है इसका कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी uh, है कि mm. जहाँ पे एक एम पल्स आप क्रिएट करते हैं mm. जहां पे जितनी भी टेक्नोलॉजी hmm. है ना आपके तो सारी, सारी जीरो चलती गाड़ी बंद हो जाएगी अल्लाह वो सारों के सारे के जितनी भी जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी पे चल रही है ना hmm. वो सारों के सर्किट्स को फ्राई कर देती है अच्छा और San. ये है और बेसिकली आप समझे इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब विदाउट द बॉम्ब मतलब जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो हो जाती है ठीक है अब वो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि बॉम्ब का धमाका इतना ज्यादा शदीद होता है कि वैसी चीजें दबाव बर्बाद हो जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो क्रिएट होती है ना अगर आप उसमें से बॉम्ब वाला एस्पेक्ट निकाल दें और जस्ट पल्स रहने दें इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना आपकी वो सब जीरो कर देती है मीनिंग कि आपकी लाइटें बंद आपके लैपटॉप बंद आपके मोबाइल फोन बंद आपकी जिस चीज में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना वो सब फ्राई हो जाएगी तो क्योंकि ती, आपकी गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी टैंक बंद हो जाएंगी जितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी चलती है ना सब जीरो बताऊंकि जिस तरह जिस तरह आर्मी प्रोग्रेस कर रही है ना दे आर नाउ बिकमिंग वेरी वेरीली रिलायंट ऑन ऑन एंड गैजेट्स अभी आप किसी अमेरिकन का पूरा गियर देखें उसमें सैट नाइफ भी लगा हुआ है उसमें जीपीआरएस उसमें जो ना जीपीएस सिस्टम्स भी हैं उसमें ये भी है वो भी है हत्या के वो अभी तो वो जो उनकी जो गन्स हैं वो भी लेजर गाइडेड और उसमें बुलेट्स भी ऐसी आ रही है ब्लिस्टिक्स ऐसे आ रहे हैं जो कि गाइडेड हो सकते हैं सो so, और फिर ड्रोन है आपके पास भी मतलब हर चीज जो है ना वो जब तक उसकी टेक्नोलॉजी पास ना हो बल्कि उसने अपने साथ वो गियर लगाया होता है जहां पे वो कम्युनिकेट कर रहा होता है बाकी सोल्जर के साथ एक आंख पे उसको विजुअल नजर आ रहे होते हैं एक्जैक्टली exactly फिर वो डिफरेंट ड्रोन भेजते हैं टू सी नहीं। के नहीं। अगले साइड पे क्या चीजें आ रही है तो वो बड़ा हैवीली मतलब रिलाई करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर टेक एंड गैजेट के ऊपर इमेजिन करेंगे सारा टेक एंड गैजेट फ्राई हो जाए तो यू कम बैक टू बेसिक्स और जहां पे बेसिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट आ जाता है

जो के पूरे केव्स में घुस के आप वो कर सकते हैं सो द फैक्ट के इसमें का अखिलाफ है इस बात पे, लेकिन यह कि बात यह है कि हम अपने आप को रेडी कर लें अच्छा एंडिंग दिस दिसी मेधी किस साइन में है ना माइनर में है ना मेजर में है ही इज अ ट्रांजिशन बिटवीन माइनर टू मेजर साइंस और एक बहुत बड़ा साइन है

आपका जो टाइम है ना वो तो आपकी मौत तो जाएगा ना मिले आप आप क्या आप है हमें अपने आप को दीन के साथ जोड़ के रखें ज्यादा से ज्यादा खासतौर पर जो मेजर जो आपके माइनर साइंस है मेजर साइंस है ये आपके ईमान का हिस्सा है यानी वो जो जबील असलाम की जो हदीस है जहां पे उन्होंने पूछा कि जी ईमान क्या है इस्लाम क्या है और फिर उन्होंने साइंस का पूछा यानी वो जो हदीस है जिसमें बताया गया कि इस्लाम ये है यानी इस्लाम का मतलब है नमाज रोजा कलमा तयबा ये वगैरह वगैरह फिर ईमान क्या है ईमान आमिन अबिल्ला व मलाकती वो

वही अरबरब अरब के लिए तबाह बर्बादी है जो उनपे क्लामिटी आने लगी है और हमारे याजूज़ और माजूज की जो वॉल है उसमें इतना सुराख हो गया है और फिर क्या कहा अपने घर वालों को उठाया कि जो मैं भी आपको जो टेक में दे रहा हूँ अबू हुर रज की जो हदीस्ती साहब खुब इतना कि जिस तरह से फितने बड़े हैं आप अपने समझे रेस लगी हुई है अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ना तफसीर पढ़ना कुरान की और अपने तजकिया पे काम करना नेकियों में किस तरह से दौड़ लगाए क्यूँकि तीन चीजें जब निकल आई ना फिर इंसान का ईमान उसको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा यानी वो अपना ईमान को बिल्डअप नहीं कर पाएगा इन के निकलने के बाद द जाल दाबतुल अर्द और तुल मगरबिहा तो अपने ईमान और काम करें क्योंकि देखें अगर आप आज इन छोटे मोटे फितरों से नहीं बच पा रहे तो कल आप दजाल के फितने से कैसे बच पाएंगे अगर आप आज के फितने से 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 फितने सीरीज़ या किसी औरत पा रहे छोटे से, से, से फितने से नहीं बच पा रहे तो कल जब दजाल जैसा फितना आएगा और हो रही होगी तो आप उनसे कैसे बच पाएंगे अनफॉर्चुनेटली अगर हम ऐसे ही रहे तो हमारी नस्लें अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे